हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथिली चैटी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मक्के की रोटी और पंजाबी स्टाइल सरसों के साग की रेसिपी शेयर करूंगी। साग जो मैं बना रही हूँ वो मेरे किचन गार्डन से निकला ऑर्गेनिक साग है। ये चार तरह के साग मेरे किचन गार्डन से निकले हैं। ये साग हैं सरसों का साग, भुतुआ का साग, मेथी का साग और पालक का साग। आप देख सकते हो कितना फ्रेश है। इसको मैंने 5 से 6 पानी से धो लिया है। धोने के बाद मैं इसको चॉप कर लूंगी। चॉप करने के बाद मैं इसे प्रेशर कुकर में बॉईल कर लूँगी। आप इसे कढ़ाई में भी बॉईल कर सकते हो, लेकिन प्रेशर कुकर में ये इजीली और जल्दी बॉईल हो जाता है। इसमें कोई वाटर ऐड नहीं करना है क्योंकि साग इटसेल्फ बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ करता है। मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसे मैं 5 से 6 विसल प्रेशर कुकर में लगा दूँगी। एक बात का आप ध्यान रखना कि साग वाटर बहुत रिलीज़ करता है, तो आप उसे कुकर में ही बंद कर देना या कढ़ाई में। अब मैं मीनवाइल तड़के की तैयारी करूंगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 छोटे टुकड़े बटर के लिए हैं और तड़का के लिए मैंने 4 से 5 लहसुन, 2 ग्रीन चिली और 1 इंच जिंजर का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। आप इसको इमाम दस्ते में डालकर भी कूट सकते हो। मीनवाइल हमारा बटर गरम हो गया है, तो इसमें मैंने 2 टीस्पून सरसों के दाने ऐड किए हैं। सरसों का दाना जब क्रैक करेगा तो इसमें मैं वो चॉप्ड गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का मिक्सचर डाल दूंगी। जब ये मिक्सचर लाइटिस ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप ओनियंस ऐड किए हैं। मुझे मैस्ड पालक साग पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको वो ग्राइंड कर लिया और इसका पेस्ट बना लिया। ये ऑप्शनल है, आप इसको मैश भी कर सकते हो अच्छे से या पेस्ट भी बना सकते हो। पेस्ट बनाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। मीनवाइल हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज ऐड किए और थोड़ा सा टोमेटो को सॉफ्ट करने के लिए मैंने नमक ऐड किया है। नमक हमने पहले साग को बॉईल करते समय भी ऐड किया था, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद हम रेगुलर मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंगली डाला है और इसको हम कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट लो फ्लेम में फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद हम इसको इसमें पालक ऐड कर देंगे, सॉरी साग ऐड कर देंगे। मीनवाइल हम मक्के का आटा भी लगा लेते हैं क्योंकि हमें मक्के की रोटी भी बनानी है। अब आप सोचोगे मक्के की रोटी तो मेरे से नहीं बनेगी, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इजी प्रोसेस है और आप मेरे बताए अनुसार अगर बनाओगे तो आप मक्के की रोटी बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल में आटा लिया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आपका मन है तो ऐड करो, अदरवाइज़ नहीं ऐड करो। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप आटा डो लगाना तो आप मक्के के आटे में गर्म पानी या ऐड करना। और इसका एक ट्रिक है, आप इसको मसल मसल के ही गूंदना। 2 से 3 मिनट्स आप इसको मसलना। और ये ऐसा डो तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट सा डो। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक है कि आप एक प्लास्टिक ले लेना, ठीक है, कोई सा भी प्लास्टिक ले लेना और उस पर हल्का सा रिफाइंड स्प्रिंकल करके स्प्रेड कर देना।
जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस से करना, ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी रोटी बनाना सीख जाओगे। फिर डो में से थोड़ा सा आटा का अम्पेरा बना लेंगे और इस पे डाल के, चकले पे डाल के इसको हल्के हाथों से पैट करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप ऐसे ही करना। मैंने इसलिए ये वीडियो बहुत ही धीरे धीरे बनाया है कि आप ये ट्रिक सीख जाओ और घर में मक्के की रोटी बनाने लगो और आप अपनी मम्मा को मिस ना करो। जनरली सुनने में आता है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छा मक्के की रोटी बनाती है, उससे भी अच्छा मेरी दादी बनाती हैं। तो आप इस ट्रिक से बनाओगे तो आप भी बनाने लगोगे। आपने देख लिया मैंने इसको अच्छे से पैट कर लिया है। उसके बाद हल्के हाथ से मैं प्लास्टिक को निकालूंगी। आप देखो ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से निकालना गाइस, बिल्कुल हड़बड़ी मत करना और इसको तवे पे डाल देना। ये देखो और फ्लेम जो है सो लो पे रखना। मीनवाइल हमारा साग भी अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से पका है कि नहीं नीचे के साइड से, लेकिन अभी ये थोड़ा सा और पकेगा। और उसके बाद मैंने इसको धीरे से हल्के हाथ से पलटी मार दिया है नीचे के साइड से। देखो क्रस्ट कितना अच्छा है। साग हमारा बन के रेडी हो गया है तो हम तड़के की तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप वैसे भी खाओगे तो साग बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन तड़का ऐड कर लोगे तभी तो पंजाबी फ्लेवर आएगा और थोड़ा टेस्ट रिच हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा बटर का टुकड़ा लिया है, उसमें मैं दो लाल मिर्ची डालूंगी। कढ़ाई से अच्छा रोटी ना, तवा से अच्छा रोटी पकड़ देती थी। ये तवा क्या है, ये इतनी गहरा जाना है बराबर नहीं। और इसको साग के ऊपर डाल दूंगी। और आप देख रहे हो तवे पे हमारा रोटी भी पक रहा है। रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो हैव पेशेंस। और इसको आप लो फ्लेम पे ही पकाना, हाई करोगे तो रोटी जल जाएगी। और ये देखो कितना यमी टेस्टी डिलीशियस साग लग रहा है। और रोटी वो दोनों साइड से अच्छे से पक गया है तो मैं उसको फ्लेम पे डाल के हल्का सा सेकूंगी। और ये देखो हमारे मक्के की रोटी और सरसों का साग रेडी है। आप भी हमारे ढाबे में आ जाओ खाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप घर में बनाना और फीडबैक देना कि कैसा बना था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।